हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपको बताऊंगी नोरा फतेही की बेस्ट डांसर बनने तक की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। तो आइए जानते हैं, नोरा फतेही ने अपनी खूबसूरती और डांसिंग से सबको दीवाना बना रखा है। हर कोई उनका फ़ैन है। नोरा फतेही का असली नाम नोरा फतेही है। वह एक एक्टर, मॉडल और डांसर हैं। नोरा का जन्म 6 फरवरी 1992 को टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा बचपन कनाडा में ही बिताया और टोरंटो के बेस्ट्यू सेटेनियल सेकेंडरी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वह अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए यॉर्क विश्वविद्यालय टोरंटो में शामिल हो गई, लेकिन कुछ कारणों से वह अपना ग्रेजुएशन पूरा ना कर सकी। इसके बाद उन्होंने इंटरनेट पर वीडियो देखकर डांस करना शुरू कर दिया और फिर मॉडलिंग करना शुरू किया। नोरा के करियर की बात करें तो नोरा ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म से टाइगर्स ऑफ द सुंदरवन से की थी। इसके बाद वह तेलुगु फिल्म टेम्पर, किक टू और बाहुबली में भी नज़र आ चुकी हैं। नोरा ने अपने हाल ही इंटरव्यू में अपने स्ट्रगल वाले दिनों का खुलासा किया। नोरा ने बताया कि वह सिर्फ 5,000 रुपए लेकर मुंबई आई थी। हालांकि जिस कंपनी के साथ वह काम कर रही थी, उस कंपनी से उन्हें हफ्ते के 3,000 रुपए मिलते थे। उन्हें अपना पूरा दैनिक रूटीन उन्हीं 3,000 में मैनेज करना होता था। मुंबई के बारे में मैं एक आपको बात बता दूं कि मुंबई ऐसी जगह नहीं है जहां कम पैसों से अपनी बॉलीवुड वाली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की जा सके। नोरा ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है, लेकिन अब जाकर धीरे धीरे वह बॉलीवुड में पहचान बना रही हैं। लेकिन उनके लिए ये सब इतना आसान नहीं था। कनाडा से आई नोरा फतेही अब भारत की दिलवर गर्ल बन चुकी हैं। ये वही नोरा हैं जो 2014 से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिश कर रही थीं, लेकिन उन्हें सफलता मिलने में इतना टाइम लग गया। नोरा फतेही कनाडाई ब्यूटी हिंदी सिनेमा के साथ 2014 से जुड़ी हैं और सक्सेस उन्हें मिली 2018 की फिल्म सत्यमेव जयते के गाने दिलवर से। उसके बाद नोरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर और डांसर हैं और उन्हें अब धीरे धीरे उनके काम के लिए पहचाना जा रहा है। बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस अभिनेत्री नोरा फतेही इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी हैं। उन्होंने अपने डांस से लोगों का दिल जीत लिया है। उनके गाने आए दिन सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहे हैं। हाल ही में नाच मेरी रानी गाने में धमाल का डांस कर बॉलीवुड के बड़े बड़े डांसर को फेल कर दिया है। 27 साल की नोरा ने मेहनत करके ये मुकाम पाया है। नोरा के डांस करने के बाद लाखों लोग उनकी कॉपी करते हैं। हाल ही में नोरा ने डांस शो इंडियन डांसर में जज बनकर दर्शकों का मन मोह लिया है। नोरा के दीवाने इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि बड़े बड़े कोरियोग्राफर, डांसर और एक्टर उन्हें प्रपोज करते नज़र आ रहे हैं। नोरा की लव लाइफ की बात करें तो नोरा को उनके बॉयफ्रेंड अंगद बेदी ने धोखा दिया था। उसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस नेहा धूपिया से शादी कर ली। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक उस समय नोरा बॉलीवुड में सफल नहीं हुई थी। वही नेहा धूपिया बॉलीवुड में अपना रंग जमा चुकी थी। सफल ना होने की वजह से अंगद बेदी ने नोरा को छोड़ दिया। फिलहाल नोरा अभी सिंगल हैं। सोशल मीडिया पर नोरा के दीवाने इस कदर बढ़ रहे हैं कि उन्हें हर दिन शादी के प्रपोजल आते रहते हैं। दिलवर दिलवर गाने से मशहूर होने वाली नोरा अब कई फिल्मों में भी नज़र आ चुकी हैं। उनके परिवार की बात करें तो उनके परिवार में उनके माता पिता और एक छोटा भाई है जिसका नाम उमर फतेही है। नोरा की पसंदीदा चीज़ों की बात करें तो उन्हें खाने में अलग अलग चीज़ें पसंद हैं, जैसे पानी पूरी, चाट। नोरा के पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार हैं और एक्ट्रेस में उन्हें दीपिका पादुकोण पसंद हैं। उनकी सैलरी की बात करें तो पर सॉन्ग के लिए 50 लाख रुपए लेती हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 21 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं। साथ ही साथ वह सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। ये थी नोरा फतेही की बेस्ट डांसर बनने तक की कहानी।
अगर आप नोरा के फैन हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।